हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। और आज की मेरी वीडियो होगी दोस्तों, स्टाफ नर्स ANM और फीमेल सुपरवाइजर और MPSW का जो पेपर होने जा रहा है आपका दोस्तों, उसके लिए सिलेबस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो हैं बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, अगर आप MPSW स्टाफ नर्स या फीमेल सुपरवाइजर का पेपर देने जा रहे हैं तो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस की वह शाखा जो ड्रग और मानव शरीर पर उसके प्रभावों का अध्ययन करती है कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? मेडिकल साइंस की वह शाखा जो ड्रग और मानव शरीर पर उसके प्रभावों का अध्ययन करती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों औषध विज्ञान। ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, औषधि के शरीर में अवशोषण, वितरण, उपापचय तथा उत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि के शरीर में दोस्तों अवशोषण, वितरण, उपापचय तथा उत्सर्जन का अध्ययन कहलाता है दोस्तों फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है दोस्तों औषधि के शरीर में अवशोषण, वितरण तथा उपापचय तथा उत्सर्जन का अध्ययन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। बस ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी नंबर MPSW में सिलेबस से रिलेटेड नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगला, शरीर का तापमान पता करने का सबसे उपयुक्त मेथड है। शरीर का तापमान पता करने का सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा है दोस्तों? ये है मलाशय द्वार। जो मलाशय द्वार होता है दोस्तों, वो है शरीर का तापमान पता करने का सबसे उपयुक्त मेथड। अगला देखिए, अगला, मेडिसिन के जनक कौन माने जाते हैं? मेडिसिन के जनक जो है दोस्तों कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं हिपोक्रेटस। ऑप्शन बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, हिपोक्रेटस ऑप्शन बी। अगला है, कितनी उम्र में बच्चे का वजन जन्म का दुगुना हो जाता है? कितनी उम्र में हो जाता है जब वो जन्मा था, और 2 गुना वजन कब होगा उसकी तुलना में? तो वो होगा 5 महीने का हो जाएगा तब वो, यानी कि 5 महीने का तब बच्चा हो जाएगा तो उसका वजन जो है जन्म की तुलना में 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, न्यूट्रिस शब्द का क्या अर्थ होता है? न्यूट्रिस शब्द जो होता है उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो ये होता है नरिश करना। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, LHV कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ था? जो LHV कोर्स है वो किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1918 में। LHV कोर्स जो है आपका 1918 में शुरू हुआ था। अगला है, बीमारी के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीमारी के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों वो किया था लुईस पास्चर ने। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको बता देना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऑप्शन ए। अगला है, हुलसिनेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? जो हुलसिनेशन होता है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है? ये होता है परसेप्शन संबंधी, यानी अवधारणा संबंधी जो है हुलसिनेशन डिसऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, एक बच्चे के कार्य करने के तरीके एवं दक्षता में परिपक्वता आना क्या कहलाता है? यानी जब एक बच्चा के कार्य के करने तरीके में बदलाव आता है, दक्षता में परिपक्वता आती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों डेवलपमेंट, यानी विकास की क्रिया उसको कहते हैं। ऑप्शन है बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला है, परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? परिपक्व प्लेसेंटा में जो है कितना ब्लड वॉल्यूम होता है दोस्तों? ये होता है लगभग 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर जो है लगभग परिपक्व प्लेसेंटा में ब्लड वॉल्यूम होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य में सीबेशियस ग्रंथियों व स्वेद ग्रंथियों के श्रावण द्वारा त्वचा की पीएच हो जाती है, तो त्वचा की पीएच कितनी हो जाती है दोस्तों? ये हो जाती है आपकी 3 से 5।
मनुष्य में सीबेसिस ग्रंथियों व स्वेद ग्रंथियों के श्रावण द्वारा जो त्वचा का पीएच होता है दोस्तों, वो होता है 3 से आपका 5। ठीक है, अगला देखिए, वस्य स्तर के कार्य क्या है। वस्य स्तर के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं आपके उपरोक्त सभी, यानी बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, तापरोधन और खाद्य संग्रहण जो है वस्य स्तर के कार्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला देखिए, वैक्सीन शब्द किसने दिया था 2020-21 में दोस्तों। वैक्सीन का जो है आप सबको पता ही है, कोरोना काल में वैक्सीन शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो वैक्सीन शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों लुईस पाश्चर ने। किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने ये शब्द दिया था दोस्तों। ठीक है, अगला है, हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिनन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिनन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके रॉबर्ट कोच। ऑप्शन डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सामान्य अवस्था में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। सामान्य अवस्था में जो है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये आपका होता है लगभग 500 मिलीलीटर। कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 500 मिलीलीटर जो है सामान्य अवस्था में टाइडल वॉल्यूम आपका होता है। ठीक है, अगला है, एक सर्जिकल घाव को माना जाता है। एक सर्जिकल घाव को क्या माना जाता है दोस्तों, तो ये माना जाता है आपका स्वच्छ घाव। जो सर्जिकल घाव होता है दोस्तों, यानी सर्जरी करते समय जो घाव हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्वच्छ घाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। ठीक है, अगला है, एक महिला में मासिक चक्कर का स्थायी रूप से बंद हो जाना क्या कहलाता है। एक महिला में मासिक चक्कर का स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है दोस्तों आपका मेनोपोज। क्या कहलाता है, मेनोपोज उसका कहते हैं जब एक महिला में मासिक चक्कर का स्थायी रूप से वो बंद हो जाता है तो। ठीक है, अगला है, कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का तिगुना हो जाता है। कितनी उम्र पर जो है बच्चे का वजन जो है जन्म का तिगुना हो जाता है। दोगुना कब हो जाता है, 5 माह में, और तिगुना हो जाता है दोस्तों 1 साल के अंदर। 1 साल का होता है जब बच्चा, तो उसका उम्र उसका वजन जो है जन्म की तुलना में 3 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापक्रम पर होना चाहिए। प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय जो ऑटोक्लेव होता है किस तापक्रम पर होना चाहिए, ताप क्या होना चाहिए उसका, तो ये होना चाहिए आपका 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस जो है उसका तापमान दोस्तों होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला है, ह्यूमरल प्रतिरोधकता किस पर आधारित होती है। जो ह्यूमरल प्रतिरोधकता होती है वो किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो ये होती है आपकी एंटीबॉडीज के बनने पर। एंटीबॉडीज के बनने पर जो है आपकी ह्यूमरल प्रतिरोधकता आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, त्वचा को हरफनमोला कहा जाता है क्योंकि यह है। त्वचा को हरफनमोला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अनेक कार्यों का संपादन करती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको हरफनमोला कहा जाता है, ये कहा जाता है त्वचा को, और क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अनेकों कार्यों का संपादन करती है। ठीक है दोस्तों, अगला, मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य में रोम कहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये आपके नहीं पाए जाते हैं हथेलियों व तालुओं पर, सीसन मुंड व चूचक पर, बग सीसन व लेबिया पर, यहाँ पर जो है आपके रोम नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला, मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है। मनुष्य का ताप नियमन केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जो है आपका मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। अगला, स्टरलाइजेशन तकनीक हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किस व्यक्ति ने की थी। स्टरलाइजेशन तकनीक एवं हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी आपकी ऑप्शन डी, लुईस पाश्चर ने जो है आपकी ये खोज की थी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, दर्द निवारण के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है। जो ड्रग निवारण के लिए दोस्तों कौन सी जो है
ड्रग दी जाती है जब दर्द होता है किसी को, उसको ठीक करने के लिए, तो आपको ये दी जाती है एनल्जेसिक्स। एनल्जेसिक्स जो है ये ड्रग दी जाती है जब दर्द निवारण किया जाता है तो। ठीक है, अगला देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरियर स्टेज होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरियर स्टेज क्या होती है दोस्तों, कितने माह की होती है? तो ये होती है आपकी 9 महीने की। कितने? 9 महीने की आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरियर स्टेज दोस्तों होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, फीमेल में सामान्यतः मेनार्के किस उम्र पर होती है? एक जो मादा होती है दोस्तों उसमें मेनार्के किस उम्र पर होती है? तो ये होती है आपकी 13 वर्ष की उम्र पर। जो है जब फीमेल जो होती है 13 वर्ष की हो जाती है तो उस पर मेनार्की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो कौन सा वृहत पोषक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो ये आपका नहीं है विटामिन, जो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमें जो है आगे वीडियो बनाने की जो है आप प्रशंसा मिलती है दोस्तों। अगला देखिए, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना। बिल्कुल ठीक है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। बैरियर के रूप में काम करना, ये भी ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा है ये, कौन सा नहीं है दोस्तों जिसे बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग नहीं होता है? तो ये आपका येलो फीवर जिसे कहा जाता है, पीला बुखार। ठीक है दोस्तों, जो है बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, एमनेशिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है? जो एमनेशिया होता है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन से बताइए, ये होता है मेमोरी संबंधी, जो हमारी मेमोरी होती है दिमाग की, उसमें जब कोई कमी आ जाती है तो एमनेशिया हम उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, बैह के कारण रोम का खड़ा होना कहलाता है। जब कि बैह के कारण हमारी जो रोम है दोस्तों, बाल हैं जो, वो खड़े हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम क्यूटिस एंसेराइना। क्या कहते हैं? क्यूटिस एंसेराइना हम उसको कहते हैं जब बैह के कारण रोम हमारे खड़े हो जाते हैं तो। ठीक है, अगला, बैह के समय रोम का खड़े होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की दिक्कत होती है? तो कौन से हार्मोन की दिक्कत होती है जब बैग के समय रोम का खड़ा हो जाता है? तो ये एड्रेनलिन जो है हार्मोन की अधिकता उस समय पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इरेक्टर पिलाई पेशियां, कौन सी पेशियां होती हैं इरेक्टर पिलाई पेशियां? आपके सामने ऑप्शन है, ये होती हैं दोस्तों अरेखित व नैच्छिक पेशियां होती हैं इरेक्टर पिलाई पेशियां। ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर दो है हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, सीबेशियस ग्रंथियों अनुपस्थित होती हैं। सीबेशियस ग्रंथियां कहाँ पर अनुपस्थित होती हैं दोस्तों? यह आपकी अनुपस्थित होती हैं हथेलियों व तलुओं पर। जो मानव शरीर होता है उसकी हथेलियों व तलुओं पर जो है सीबेशियस ग्रंथियां अनुपस्थित पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला, पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? जो पेंसिलिन है दोस्तों, एंटीबायोटिक है, उसकी खोज किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, बताइए। तो ये की थी दोस्तों आपकी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज दोस्तों की थी। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है दोस्तों, तो उसकी खोज आप किसने की थी? ये की थी आपकी नोल एवं रस्का ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज? तो ये की थी आपकी नोल एवं रस्का ने दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला, फीवर को कम करने में सहायक ड्रग है?
फीवर को कम करने में सहायक ड्रग कौन सा होता है दोस्तों? जब किसी को बुखार हो जाता है तो कौन सा ड्रग दिया जाता है उसको? तो ये दिया जाता है एंटीपायरेटिक्स। कौन सा? एंटीपायरेटिक्स जो है ड्रग दिया जाता है बुखार में। ठीक है, अगला देखिए, पॉइजन यानी जहर के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सा सब्सटेंस दिया जाता है? जब किसी को जहर उसके शरीर में आ जाता है दोस्तों, किसी मानव शरीर में, तो उसके जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका दोस्तों एंटीडोट्स। क्या दिया जाता है? एंटीडोट्स उस समय उसको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला, चिल्ड्रन में यानी बच्चों में मीजल्स की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, तो बच्चों में मीजल्स की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन यानी बाध्यता कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है ब्रोंकोफिनोमिनिया। क्या होता है? ब्रोंकोफिनोमिनिया होती है बच्चों में मीजल्स की कॉमनेस्ट यानी सामान्यतः बाधा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिस्ट के चारों तरफ फैट के मार्क्ड प्रोलीफ्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जो फीमेल में या नर में जो है छाती होती है उसकी, उसके चारों तरफ फैट होता है दोस्तों, तो मार्क्ड प्रोलीफ्रेशन यानी धब्बे हो जाते हैं उस समय, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है उन धब्बों के लिए? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उस समय ये उसका जिम्मेदार होता है दोस्तों। ज़्यादातर एस्ट्रोजन कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों मादा में। ठीक है, अगला, कौन सी स्टेज में रिसर्च डाटा कलेक्ट किए जाते हैं? तो कौन सी स्टेज में जो है रिसर्च डाटा कलेक्ट किए जाते हैं आपके? तो ये किए जाते हैं आपके दोस्तों इम्प्लीमेंटिंग में। जब उसको, जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते होते हैं, उसको शुरुआत कर रहे होते हैं, उस पर अमल ला रहे होते हैं, तो उस समय जो है रिसर्च डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, डर्मिस अधिक मोटा है। डर्मिस अधिक मोटा कहाँ पर होता है दोस्तों? डर्मिस जो है उत्तक का नाम है, तो यहाँ सबसे मोटा कहाँ पर होता है? ये पाया जाता है उपरोक्त सभी पर, ग्रीवा के पश्च भाग में, हथेली पर और तलुओं पर। आपने देखा होगा दोस्तों हथेली, तलुओं, ग्रीवा में जो है जो त्वचा होती है हमारी वो मोटी होती है, तो किसके कारण होती है? वो डर्मिस उत्तक के कारण होती है। ठीक है, अगला, टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी होती है। टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है आपकी टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम कहाँ पर होती है दोस्तों? ये होती है आपकी कॉर्निया में। एपिडर्मिस उत्तक होता है दोस्तों जिसकी मोटाई सबसे कम होती है कॉर्निया में। कॉर्निया कहाँ होता है? हमारी आँख में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा बिल्कुल, एक भी छोड़िएगा नहीं। डर्मिस व एपिडर्मिस की तुलना में, जो डर्मिस उत्तक होता है वह एपिडर्मिस की तुलना में कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों 2/3 गुना। क्या होता है? 2 से 3 गुना जो है मोटा होता है कौन? डर्मिस जो है एपिडर्मिस से। ठीक है, अगला देखिए, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूरा हो जाता है? निषेचित अंडा जो होता है उसका गर्भाशय की दीवार पर आरोपण होता है दोस्तों लगभग 11वें दिन। कब? 11वें दिन जो है निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार पर आरोपित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, लेप्रोसी के उपचार हेतु खोज की गई प्रथम दवा थी। जो लेप्रोसी होती है बीमारी मादाओं में पाई जाती है ज़्यादातर, तो उसके उपचार हेतु खोज की गई प्रथम दवा कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों डेप्सोन। डेप्सोन जो है लेप्रोसी के उपचार के लिए दी गई दवा खोजी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला, नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से दी जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है किस रूट से दी जाती है? रूट यानी कि इंजेक्शन दोस्तों, इंजेक्शन के रूट्स होते हैं कि कैसे लगाया जाता है इंजेक्शन, किस अवस्था में लगाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, तो उसको रूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन जो है दवाई वो किस रूट से दी जाती है, किस द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है उसको,
ये दिया जाता है सब लिंगुअल रूट से, सब लिंगुअल रूट से जो है नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, सर्जरी के जनक माने जाते हैं। सर्जरी के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही, ये माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सर्जरी के जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। अगला, एक महिला में आने वाला प्रथम मासिक चक्कर कहलाता है। एक महिला होती है उसमें प्रथम मासिक चक्कर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों वो, तो उसको कहते हैं हम मीनार्के। मीनार्के उसको हम कहते हैं दोस्तों जब एक महिला में प्रथम मासिक चक्कर होता है तो, ठीक है। अगला, जन्म के समय एक सामान्य बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। जब एक बच्चा जन्म होता है तो स्वस्थ उसको कब कहेंगे कितना वजन होगा उसका, तो ये होगा 2.5 से 3 किलोग्राम जब उसका वजन होगा तो हम उसको सामान्य बच्चा यानी औसत वजन वाला बच्चा कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो 4 वर्षीय बीएससी यानी बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस नर्सिंग कार्यक्रम का आयोजन जो है कब किया गया था 4 वर्षीय, ये किया गया था 1946 से। बीएससी नर्सिंग जो है एक प्रकार का दोस्तों कोर्स होता है जो कि 1946 में शुरू किया गया था और 4 वर्ष का ये दोस्तों होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला देखिए, निम्न में से किस गर्भ निरोधक की फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा है, यानी जो कौन सा जो कोंडम होता है गर्भ निरोधक होता है उसकी फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये होती है कैलेंडर विधि की। कैलेंडर विधि की जो है फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है वर्णिकी कोशिकाएं कौन सी परत में पाई जाती हैं। आपकी जो वर्णिकी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों ये पाई जाती हैं आपकी स्ट्रेटम जर्मिनेट्स में। स्ट्रेटम जर्मिनेटम में जो है आपकी वर्णिकी कोशिका पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। जंतु, कई जंतु जो होते हैं दोस्तों वो अपना रंग बदल लेते हैं पर्यावरण के हिसाब से, तो वो क्रिया, उसको क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस उस क्रिया को हम कहते हैं जब जंतु अपना रंग बदल लेते हैं तो, ठीक है। अगला है, डर्मिस का उद्भव किस जनन स्तर द्वारा होता है। जो डर्मिस होता है उसका उद्भव जो है किस जनन स्तर द्वारा होता है दोस्तों, ये होता है आपका मीशोड्रम द्वारा। मीशोड्रम द्वारा जो है डर्मिस का उद्भव दोस्तों वो होता है, ठीक है। अगला देखिए, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे नामक बैसिलाई की खोज किसने की थी। माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे जो है नामक बैसिलाई जो होता है उसकी खोज की थी दोस्तों हैनसन ने। किसने की थी, हैनसन ने, ऑप्शन ए दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है। टर्म पर जो है प्लेसेंटा का वजन लगभग आपका होता है दोस्तों लगभग 500 ग्राम। 500 ग्राम जो है टर्म पर प्लेसेंटा का वजन होता है। प्लेसेंटा क्या होता है दोस्तों, जो कि भ्रूण यानी बच्चा जो होता है गर्भ में, माता और भ्रूण जो है इससे जुड़े होते हैं, इस नली से जुड़े होते हैं, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो उसका वजन कितना होता है, लगभग 500 ग्राम। अगला देखिए, टिटनस बेसिलाई का वर्णन किसने किया था। जो टिटनस बेसिलाई होता है दोस्तों उसका वर्णन किया गया था निकोलेयर द्वारा। निकोलेयर द्वारा जो है टिटनस बेसिलाई का वर्णन किया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्मॉल पोक्स जो एक बीमारी होती है त्वचा से संबंधित होती है, इसके विरुद्ध सफल टीकाकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है दोस्तों उसके विरुद्ध सफल टीकाकरण किसने किया था सर्वप्रथम, तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तरल रूप में किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना कहलाता है। तरल रूप में दोस्तों किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना कहलाता है दोस्तों आपका, ये कहलाता है इंस्टीलेशन। क्या कहलाता है, इंस्टीलेशन उसको हम कहते हैं दोस्तों जब किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखा जाता है तरल रूप में, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को स्किन में अप्लाई करना कहलाता है, यानी जब हम त्वचा को घिस के
यानी जो डॉक्टर होते हैं घर्षण करके ड्रग को स्किन में अप्लाई करते हैं, यानी स्किन में जो है डालते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन डी इनक्शन, उसको कहते हैं INUNCTION, याद रखिएगा स्पेलिंग दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा, इनक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हेड इंजरी में कौन से प्रकार की बैंडेज प्रयोग में लाई जाती है? जो हमारे हेड इंजरी हो जाती है, कभी कभार सर में चोट लग जाती है, तो किस प्रकार की बैंडेज जो है, किस प्रकार की पट्टी यूज में लाई जाती है उसके, तो ये लाई जाती है दोस्तों कैपलाइन बैंडेज, कैपलिन जो बैंडेज होती है उसके उपचार में बैंडेज प्रयोग की जाती है हेड इंजरी में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जो पहले 24 आवर्स होते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में अगर बर्न इंजरी किसी को होती है, यानी कोई जल जाता है, तो उसकी मैनेजमेंट हेतु यानी उसके उपचार हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होगा दोस्तों? आपका ये होगा फ्लूड रिलैक्सेशन, फ्लूड रिलैक्सेशन जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोस्तों उसका होगा जब किसी को बर्न इंजरी हो जाती है तो। ठीक है, अगला देखिए, सर्कमस्टांसिलिटी किस प्रकार का डिसऑर्डर है? जो सर्कमस्टांसिलिटी होता है दोस्तों किस प्रकार का ऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है, ये आपका होता है थॉट संबंधी यानी विचारों संबंधी जो है सर्कमस्टांसिलिटी, ये डिसऑर्डर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है डी। अगला है, वीबरियो कोलेरी की खोज किसने की थी? जो वीबरियो कोलेरी होती है एक प्रकार की दवाई होती है दोस्तों, तो किसने खोज की थी इसकी? ये की थी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ऐसे बैक्टीरिया जिनके प्रत्येक सिरे पर एक फ्लैजिलम पाया जाता है कहलाते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जिनके एक सिरे पर फ्लैजिलम पाया जाता है? तो उनको कहते हैं हम एम्फीट्राइक्स, एम्फीट्राइक्स उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं दोस्तों जिनके एक सिरे पर फ्लैजिलम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ट्रम्प पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फोटिल ओरिजिन का होता है? ट्रम्प पर प्लेसेंटा का लगभग जो है आपका कितना भाग फोटिल ओरिजिन का होता है? ये होता है दोस्तों लगभग 4/5 भाग। कितना होता है? लगभग 4/5 भाग यानी 80% जो है भाग वो आपका फोटिल ओरिजिन का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, मानव में वायरस जनित बीमारी के रूप में सत्यापित हुई प्रथम बीमारी थी, तो प्रथम बीमारी कौन सी थी? तो ये आपकी हुई थी दोस्तों येलो फीवर। वायरस जनित जो है बीमारी ये कौन सी होती है? येलो फीवर होती है, प्रथम बीमारी इसको कहा जाता है जो कि वायरस जनित बीमारी थी। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्न में से औषधि प्राप्त करने का सोर्स क्या है? औषधि प्राप्त किससे की जाती है दोस्तों? ये की जाती है आपकी एनिमल से, प्लांट से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और सिंथेटिक ओरिजिन से जो है आपकी ये औषधि प्राप्त की जाती है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले पर, बच्चों में ड्रग की डोज किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए? किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए दोस्तों? जब बच्चों को कोई इंजेक्शन या ड्रग दी जाती है तो की जानी चाहिए उनके वजन के हिसाब से, यानी जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मात्रा में डोज दी जाएगी और जिसका वजन कम होगा उसको कम मात्रा में डोज दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं होता दोस्तों? तो ये नहीं होता आपका एनीमिया, एनीमिया जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगला है, डिलीरियम किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है? जो डिल्यूरियम होता है किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका कंशियसनेस संबंधी यानी कि सचेतता, जिसको कहते हैं हिंदी में इसकी मीनिंग होता है, अर्थ होता है इसका सचेतता संबंधी जो है डिल्यूरियम ऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा आपके सामने चार ऑप्शन है, तो ये होता है दोस्तों आपका विटामिन, जो है सूक्ष्म पोषक तत्व ये होता है विटामिन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों? तो ये है आपकी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये आपकी
बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। मनुष्य में जो श्वेत ग्रंथियां कहां पर अनुपस्थित पाई जाती हैं दोस्तों, तो ये आपकी नहीं होती, होठ व शीशन मुंड पर, जो होठों पर जो है श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला, एक ड्राम किसके बराबर होता है। एक ड्राम जो है दोस्तों नर्सिंग में जो है ये मात्रा होती है डोज को मापने की, तो ये होती है 4 ग्राम। एक ड्राम जो किसके बराबर होता है, 4 ग्राम के बराबर दोस्तों ये होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, इंसोमिनिया, इंसोमिया का मतलब क्या होता है, इंसोमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका ऑप्शन सी, जब मरीज़ निद्रा लेने में असमर्थ हो, यानी जब किसी को नींद नहीं आती, किसी मरीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं, इंसोमिया से वो ग्रस्त है, ठीक है। अगला, मनुष्य के पसीने में पाया जाता है, मनुष्य के पसीने में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके जल, पानी, लवण और कुछ मात्रा में यूरिया। क्या पाया जाता है दोस्तों, जल, लवण में तथा कुछ मात्रा में यूरिया जो है उसमें मनुष्य के पसीने में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति बदलती रहती है कहलाते हैं, ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति बदलती रहती है, जो अपनी आकृति को बदलते रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं दोस्तों प्लियोमोरिफिक, प्लियोमोरिफिक उसको हम कहते हैं जिनकी आकृति, जिन जीवाणु की आकृति जो है बदलती रहती है, ठीक है, प्लियोमोरिफिक। अगला, मनुष्य द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रोटीन द्वारा लिया जाता है। जो मनुष्य द्वारा ली जाने संपूर्ण ऊर्जा होती है, तो उसमें कितना हिस्सा प्रोटीन का हो जाए होता है, तो ये होता है लगभग 7 से 15%। कितना होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 से 15% जो है संपूर्ण ऊर्जा का प्रोटीन का हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा रोग वायरल रोग नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है आपका डिफ्थीरिया, ये वायरस द्वारा नहीं फैलता दोस्तों डिफ्थीरिया, ठीक है दोस्तों। एड्स जो है वायरल द्वारा फैलता है, HIV वायरस द्वारा, स्मॉल पॉक्स भी और चिकन पॉक्स भी जो है वायरल द्वारा फैलता है, लेकिन जो डिफ्थीरिया वो वायरल रोग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, वायरल तथा फंगल संक्रमणों से बचाव करती है। तो वायरल तथा फंगल संक्रमणों से कौन बचाव करती है दोस्तों आपकी, ये करती है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो है आपकी वायरल तथा फंगल संक्रमणों से आपका बचाव करती है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन सी। अगला देखिए दोस्तों, आशा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला है, मलाशय नलिका को एक बार में मलाशय में कितनी कितने से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना चाहिए, कितने समय तक नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ये नहीं रखना चाहिए 20 मिनट से ज़्यादा, जो है मलाशय नलिका को एक बार में मलाशय में 20 मिनट से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका, श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं दोस्तों आपकी, तो उसका प्रमुख कार्य क्या होता है आपका, तो ये होता है दोस्तों शरीर के ताप का नियमन। शरीर के ताप का नियमन जो होता है वो श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य दोस्तों होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगला, नियमन में से कौन सा रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल रूट में शामिल नहीं है। कौन सा रूट जो है आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल रूट में शामिल नहीं होता है, ये नहीं होता आपका सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जो है रूट आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, दवा देने की इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन दिया जाता है, तो कहाँ दिया जाता है ये, इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन ये दिया जाता है जोड़ों में, जॉइंट्स में जो है ये आपका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अगला है, वसा का संग्रहण किस रूप में होता है। हमारे शरीर में जो है वसा का संग्रहण किस रूप में होता है दोस्तों मानव शरीर में, तो ये आता है आपका एपी एडिपोज ऊतक में जो है, एडिपोज ऊतक के रूप में जो है वसा का संग्रहण हमारे शरीर में होता है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, रंजकहीनता में अनुपस्थित होता है। रंजकहीनता में क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों, ये होता है आपका मेलानिन। मेलानिन जो है रंजकहीनता में ये अनुपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला एनिमल में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? तो कौन सी वेक्टर जनित बीमारी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी ऑप्शन बी, डेंगू जो होती है आपकी, ये वेक्टर जनित बीमारी दोस्तों होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, 100 ग्राम गाय के दूध में निम्न में से सर्वाधिक मात्रा किस पोषक तत्व की होती है? जो 100 ग्राम गाय का दूध होता है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक किस पोषक तत्व होता है? उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है सबसे ज़्यादा 100 ग्राम गाय के दूध में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी 100 ग्राम तो उसने मापक ले लिया, यानी आपसे पूछ ले किसके दूध में लैक्टोज सबसे ज़्यादा होता है, आपके सामने ऑप्शन हो तो ये आपके सामने गाय होगा, और क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं होती? तो कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं होती है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, संक्रामक बीमारी दोस्तों ये नहीं होती, सी बी ए जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं होती, ऑप्शन बी। अगला है, एक बच्चे में स्थायी दांतों का उद्भव कब प्रारंभ होता है? यानी एक बच्चे में स्थायी दांत कब से आने शुरू हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों 6 से 7 वर्ष की उम्र में, जब कोई बच्चा 6 से 7 वर्ष का हो जाता है तो उसमें स्थायी दांतों का प्रारंभ आना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला, गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच कितना होता है? जो गर्भावस्था होती है दोस्तों उसमें, उसके दौरान योनि का पीएच कितना होता है दोस्तों? ये आपका होता है लगभग अम्लीय, अम्लीय प्रकार का जो होता है दोस्तों गर्भावस्था में दौरान योनि का पीएच होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, अर्ली रेनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए उपयोगी टेस्ट कौन सा है? जो अर्ली रेनल डिसफंक्शन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए उपयोगी टेस्ट होता है दोस्तों, आपको पता होगा क्रिएटिनिन क्लीयरेंस जो होता है, ये अर्ली रेनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक औंस जो है किसके बराबर होता है? एक औंस जो है किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है आपका 280 ग्रेन के बराबर, एक औंस 280 ग्रेन के बराबर दोस्तों वो होता है, ठीक है। अगला है, 1 गैलन किसके बराबर होता है? 1 गैलन किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है आपका 4000 मिलीलीटर के बराबर, इसके बराबर 4000 मिलीलीटर के बराबर होता है आपका 1 गैलन, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, किस जंतु के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? दोस्तों हमने कहा था आपको पीछे जो गाय थी उसमें सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जो मादा होती है दोस्तों उसका में लैक्टोज की मात्रा जो है प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपके सामने ऑप्शंस में मनुष्य मादा ना हो तो गाय आंसर होगा, अगर मनुष्य मादा हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनुष्य मादा उसका आंसर हो जाएगा, जिसके दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला है, होठों मसूड़ों में गालों के बीच गिरा हुआ अगला संक्रामक कहलाता है? यानी जो हमारे होठ होते हैं, मसूड़े होते हैं, और गालों के बीच का गिरा हुआ अगला संक्रामक होता है दोस्तों प्रगाण, क्या कहते हैं इसको? प्रगाण हम दोस्तों वो कहते हैं, याद रखिएगा। अगला, तालुवालियाँ पाई जाती हैं, तालुवालियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है 4, तो ये पाई जाती हैं कठोर तालु पर, कठोर तालु पर जो है तालुवालियाँ दोस्तों ये पाई जाती हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है, सीफिल्स को उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म है, सीफिल्स को जो है उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो होता है आपका सीफिल्स को उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन बी। अगला, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो होती है आपकी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी। अगला है, एड्स एक है, एड्स क्या है दोस्तों? एक ये है एक वायरल रोग जो है वायरस द्वारा वो है ये फैलता है, कौन सा वायरस होता है दोस्तों एड्स फैलाने में? तो ये होता है आपका HIV, और HIV की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो होती है ह्यूमन ह्यूमिनो वायरस, क्या होती है दोस्तों? HIV की फुल फॉर्म जो एड्स को फैलाने में जो है भूमिका निभाता है ये होता है ह्यूमन ह्यूमिनो वायरस।
ठीक है दोस्तों। अगला है, एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? एक जो शिशु होता है उसमें अस्थायी दांत कब से उगने शुरू हो जाते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं आपके 6 से 8 महीने पर। जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो जाता है तो उसमें अस्थायी दांतों का उगना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, मुख गुहा को नासिका वेशम से जोड़ने का कार्य करती है। मुख गुहा को जो है नासिका वेशम से जोड़ने का कार्य कौन करती है दोस्तों? तो ये करती है आपकी नेजोपिलेटाइन। नेजोपिलेटाइन जो है ये जोड़ने का कार्य करती है मुख गुहिका को नासिका वेशम से, ठीक है, नेजोपिलेटाइन। अगला है, मोस्ट कॉमन सीनस ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन सीनस ट्यूमर कौन सा होता है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो ये होता है एस्ट्रोकिटोमा। एस्ट्रोकिटोमा जो होता है मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर होता है दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने कोण पर लगाना चाहिए? जो इंट्रामस्कुलर होता है वो कितने कोण पर लगाना चाहिए दोस्तों? ये लगाना चाहिए आपका 90 डिग्री पर, जो है आपका ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है दोस्तों लगाना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का किन को लगाते हैं दोस्तों? ये लगाते हैं आपके जंतुओं पर, जो कि आपने देखा होगा भैंसों पर, गायों पर जो है सीधा टीका लगाया जाता है, 90 डिग्री पर वो टीका लगाया जाता है, तो उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं जो जंतुओं पर लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। अगला, टोनसिल्स पाए जाते हैं। टोनसिल्स आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं दोस्तों ग्रसनी की पार्श्व भित्ति पर। ग्रसनी की पार्श्व भित्ति पर जो है आपके टोनसिल्स पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला, जीव को मुख्य गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन कहलाता है। जीव को मुख्य गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन क्या कहलाता है दोस्तों आपका? तो ये कहलाता है फ्रेनुलम लिंगुई। फ्रेनुलम लिंगुई कहलाता है आपको जीव को मुख्य गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से टोगा वायरस समूह का वायरस है। जो निम्न टोगा वायरस होता है किस समूह का वायरस होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका डेंगू वायरस। जो डेंगू फैलाने में जो है भूमिका निभाता है उसको, वो टोगा वायरस समूह का वायरस होता है दोस्तों, ठीक है। अगला एक केमिकल एजेंट जो कि जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है कहलाता है। जो जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता हो उसको क्या कहते हैं, उस रासायनिक एजेंट को? तो उसको कहते हैं दोस्तों बैक्टेरियोसाइड। क्या कहते हैं? बैक्टेरियोसाइड उसको कहते हैं जो जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता हो, ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए, अगला एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं परंतु बीजाणु आवश्यक रूप से नहीं कहलाती है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा रोगाणु तो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों लेकिन बीजाणु जो है आवश्यक रूप से नष्ट नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दोस्तों डिसइन्फेक्शन। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी डिसइन्फेक्शन उसको हम कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अगला, इल्यूजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? जो इल्यूजन होता है दोस्तों किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है आपका? तो ये होता है आपका परसेप्शन संबंधी। इल्यूजन जो है आपका परसेप्शन संबंधी डिसऑर्डर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। परसेप्शन मतलब अवधारणा, ठीक है। अगला, कौन सा अमीनो एसिड नियशीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा अमीनो एसिड होता है दोस्तों और नियशीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका ट्रिप्टोफेन। जो आपका अमीनो एसिड होता है वो नियशीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, एंट्रोकानेज एंजाइम पाया जाता है। एंटेरोकानेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपका आंत्रीय रस में। जो आंत होती है उसमें रस होता है, वहाँ पर जो है एंट्रोकानेज एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर लगाना चाहिए? जो इंट्राडर्मल है दोस्तों वो लगाना चाहिए आपका 15 डिग्री कोण पर, ठीक है दोस्तों। इंट्राडर्मल 15 डिग्री के कोण पर लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला, मनुष्य में सर्वाधिक स्वेद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जो मनुष्य होता है उसमें सबसे सर्वाधिक स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों आपकी हथेली पर,
ठीक है दोस्तों, यानी आपने देखा होगा कि पसीना आपको सबसे ज़्यादा जो है हथेलियों पर भी लगभग आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हथेलियाँ उसका आंसर हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस ये ऐसे हैं दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, हथेली पर। नहीं तो सब पूरी शरीर पर आपका स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से पसीना आता है, लेकिन जो आपके सामने ऑप्शंस ये ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा हथेलियों पर ये स्वेद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो हथेली इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन सा अमीनो एसिड जो है कोलिन फोलेटस और न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा अमीनो एसिड होता है दोस्तों जो कोलिन फोलेट्स और न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक हो, तो ये है मैथियोनाइन। मैथियोनाइन जो है अमीनो एसिड वो आपके कोलिन फोलेटस न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, तो ये आपकी करती है दोस्तों प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव आपकी ये सेवाएँ प्रदान करती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, ठीक है। अगला ताप नियमन में सहायक हार्मोन है, जो ताप नियमन में कौन सा सबसे अधिक सहायक हार्मोन होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन है डी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, ठीक है। अगला शरीर का कौन सा अंग हरफनमौला कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग हरफनमौला कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं त्वचा को, ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक औंस के बराबर होता है, एक औंस के बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है 8 टीस्पून्स। जो 8 टीस्पून्स होती हैं यानी जो चम्मच होती है 8 चम्मचों के बराबर है वो 1 औंस होता है, ठीक है ऑप्शन सी। अगला देखिए प्रश्न, त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो कौन सी होती हैं जो उनमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये होती हैं आपकी एपिडर्मिस, ऑप्शन बी उनमें जो है रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगला शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है। जो शरीर के आंतरिक वातावरण होता है उसको स्थिर रखने के लिए हम उसको प्रक्रिया को कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस उस प्रक्रिया का हम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला है एचआईवी निम्न में से किस समूह का वायरस है। जो एचआईवी होता है वो निम्न में से किस समूह का वायरस होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका रेट्रो वायरस, ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। अगला है बीसीजी क्या है, तो बीसीजी है दोस्तों लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। क्या है बीसीजी, होती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन इज, तो 5% डेक्सट्रोज होता है नॉर्मल सलाइन में, वो क्या होता है, वो होता है हाइपरटोनिक फ्लूड, उसको क्या कहते हैं हाइपरटोनिक फ्लूड हम उसको कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में इंसाइनर कैनाइन प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं, यानी इंसाइनर किसको कहते हैं, दांतों के एक भाग है दोस्तों, दांतों का एक प्रकार है, कैनाइनन भी और प्रीमोलर मोलर भी, यानी इंसाइजर कितने होते हैं 4 होते हैं, केनाइन कितने होते हैं 2 होते हैं, प्रीमोलर होते हैं 4 और मोलर दांत होते हैं आपके दोस्तों 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ने पोस्ट बेसिक नर्सिंग में डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत किस वर्ष की थी, तो ये की थी दोस्तों 1994 में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है डिप्थीरिया है एक, डिप्थीरिया क्या है दोस्तों, ये होती है एक प्रकार से आपकी डिप्थीरिया बैक्टीरियल बीमारी, क्या होती है दोस्तों, बैक्टीरियल बीमारी होती है दोस्तों डिप्थीरिया, ऑप्शन ए। अगला 5 मिनट किसके बराबर होता है, जो 5 मिनट होता है दोस्तों किसके बराबर होता है आपके, तो ये होता है आपके 2500 मिलीलीटर के बराबर होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। अगला 1 टीस्पून फुल किसके बराबर होती है,
एक टीस्पूनफुल होती है दोस्तों 5 ml के बराबर, ठीक है दोस्तों, 5 ml के बराबर होती है 1 टीस्पून। अगला एक टेबल स्पून किसके बराबर होती है, एक टेबल स्पून बराबर होती है दोस्तों 15 ml के। टीस्पून कितने थी, 5 ml थी, और टेबल स्पून 15 ml, याद रखिएगा। अगला, मासिक चक्कर के दौरान दर्द होना कहलाता है, जो मासिक चक्कर होता है उसके दौरान दर्द होना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया कहते हैं जब मासिक चक्कर के दौरान दर्द होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला, 1 लीटर बराबर होता है, तो ये होता है आपका 2 पिंट्स के, 2 पिंट्स के बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। अगला, फ्लोरेंस नाइटेंगल की मृत्यु कब हुई थी, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल थी उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी 13 अगस्त 1910 को, ऑप्शन सी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा। अगला है, विब्रियो कैलोरी कोलेरी किस प्रकार का बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी जो है किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये होता है आपका कोमा के आकार का, कोमा ऐसे कोमा के आकार का जो है ये बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ठीक है। अगला, टोकन इकोनॉमी है एक, टोकन इकोनॉमी किस प्रकार की होती है, ये होती है व्यवहारिक थेरेपी, व्यवहारिक थेरेपी होती है टोकन इकोनॉमी। अगला देखिए दोस्तों, 1 गैलन किसके बराबर होता है, 1 गैलन होता है जो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 180 फ्लूट ओज के, ठीक है दोस्तों, 1 गैलन किसके बराबर, 160 फ्लूट ओज के, ठीक है। अगला, 1 लीटर नॉर्मल स्लाइन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 1 लीटर नॉर्मल स्लाइन बनाने के लिए दोस्तों आपकी ये होती है 9 ग्राम, 9 ग्राम जो है ये मात्रा आवश्यक होती है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अगला, 1 पिंट किसके बराबर होता है, 1 पिंट आपका बराबर होता है दोस्तों 500 ml के, किसके बराबर, 500 ml के बराबर होता है दोस्तों आपका 1 पिंट, ठीक है। अगला, 1 पिंड किसके बराबर होता है आपका, तो ये होता है 20 ओंस के, किसके बराबर, 1 पिंड होता है आपका 20 ओंस के बराबर दोस्तों, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है दोस्तों, ये है आपका उपयुक्त सभी, दूध मांस व अंडा जो है प्रोटीन के सभी स्रोत हैं दोस्तों, ठीक है। अगला, निम्न में से किस वैक्सीन कौन सी वैक्सीन IM दी जाती है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है IM, ये दी जाती है DPT, DPT जो वैक्सीन होती है वो IM दी जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एनीमा कठोर मल को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है, कौन सा एनीमा कठोर मल को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है आपका तेलीय एनीमा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला, मूत्र का 5 वर्ष की उम्र के बाद भी अनैच्छिक रूप से निकलना कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका एन्यूरिसिस, एन्यूरिसिस कहलाता है जब जब पेशाब है जो आपका मूत्र होता है वो 5 वर्ष की उम्र के बाद भी अनैच्छिक रूप से निकल जाए, तो उसको कहते हैं एन्यूरिसिस। अगला, फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 12 मई 1820 को, जो आपका फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला, कुल बायोमेडिकल वेस्ट का कितना प्रतिशत हजार्डियस होता है, यानी हजार्डियस मतलब यानी वो हमारे लिए हानिकारक होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कितना प्रतिशत हजार्डियस होता है, ये होता है 15%, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव एनोरेब है, कौन सा होता है, ये होता है उपयुक्त सभी, यानी विब्रियो कोलेरी ई कोलाई और सलमोनेला जो है आपका फैकल्टेटिव एनोरेब होता है, ठीक है। अगला, बायोमेडिकल वेस्ट किस प्रकार का होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है आपका किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका नुकसान रहित, संक्रमित, असंक्रमित, यानी उपरोक्त सभी ये प्रकार का होता है बायोमेडिकल वेस्ट। अगला, क्वांटिटी ऑफ एड्रेनलिन
इन 100 ml ऑफ, 1 in 1000 सोल्यूशन इज, यानी जो एडनिल की मात्रा होती है 100 ml में कितनी होनी चाहिए, 100 1 प्रति 1000 में, तो ये होनी चाहिए आपकी 0.1 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ एडनिल कितनी होनी चाहिए प्रति 1000 में, ये होनी चाहिए 0.1 ग्राम दोस्तों। ठीक, ऑप्शन सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ANM कोर्स के दौरान प्रशिक्षण के कुल इंस्ट्रक्शन हावर्स हैं, कुल प्रशिक्षण कितने दौरान है, ये है दोस्तों आपके 1350 घंटे। ये ANM कोर्स के दौरान आपके प्रशिक्षण के कुल इंस्ट्रक्शन हावर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, 1350 घंटे। अगला, ए कौनस किसके बराबर होता है, ए कौनस होता है दोस्तों आपका, ये होता है 30 ग्राम के बराबर, ठीक है, ए कौनस इज इक्वल टू 30 ग्राम। अगला, ए कौनस किसके बराबर होता है, ये होता है दोस्तों 30 ग्राम, आ लिया क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है, शरीर से त्वचा, फेफड़ों, मलाशय और मूत्राशय के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका एलिमिनेशन, जो है शरीर से त्वचा, फेफड़ों, मलाशय और मूत्राशय के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है एलिमिनेशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रसरण दाब को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो कौन सा पोषक तत्व होता है वो, ये होता है आपका प्रोटीन, ऑप्शन ए। अगला, व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति इस संदेह में रहता है कि दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो किस प्रकार व्यक्तित्व होता है वो होता है आपका पैरानोइड, पैरानोइड वो है उस व्यक्ति को कहते हैं जो, जिस व्यक्ति में संदेह रहता है कि वह दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस अंग द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वाटर लॉस होता है, किस अंग द्वारा होता है ये होता है आपका किडनी द्वारा, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अगला, शरीर का तापमान कम करने के लिए कौन सा एनीमा काम में लिया जाता है, कौन सा एनीमा काम में लिया जाता है दोस्तों, ये लिया जाता है आपका कोल्ड एनीमा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा, शरीर का कम तापमान कम करने के लिए कोल्ड एनीमा जो है काम में लिया जाता है। अगला, बैसिलरी डिसेंट्री का प्रमुख कारण है, जो बैसिलरी डिसेंट्री का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका सिजेला, सिजेला जो है बैसिलरी डिसेंट्री का प्रमुख कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, ग्रेन का सिंबल क्या होता है, जो ग्रेन का सिंबल होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है GR डॉट जो है ग्रेन का सिंबल दोस्तों वो होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम होता है दोस्तों 0.2 पाउंड के, किसके बराबर, 0.2 पाउंड के जो है 1 किलोग्राम जो है होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर है, यानी चेतना संबंधी डिसऑर्डर कौन सा है दोस्तों, ये होता है आपका हुलचिनेशन, ठीक है, हुलचिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रट लीजिएगा, हुलचिनेशन जो होता है आपका सचेतता यानी कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अगला, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा शरीर के उत्कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है, कौन सा पोषक तत्व है जो उत्कों की मरम्मत व शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, ये होता है आपका प्रोटीन, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, टाइफाइड फीवर का कारण क्या है, जो टाइफाइड होता है दोस्तों उसका क्या कारण होता है, ये होता है आपका सेल्मोनेला टाइफी और सिजेला, यानी कि ऑप्शन सी, सेल्मोनेला टाइफी और सिजेला, ये दोनों ही है एवं ये दोनों ही इसका आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन सी, ए और बी, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए और सेलमोनेला पेरेटाइफी, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलमोनेला पेरेटाइफी हो, टाइफी और पेरेटाइफी जो होते हैं आपके, ये टाइफाइड फीवर का कारण होते हैं, ऑप्शन ए और सी, ठीक है दोस्तों। अगला, सिफिलिस उत्पन्न करने वाला रोगाणु है,
जो सिफिलिस उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा होता है दोस्तों आपका, तो ये होता है आपका ट्रिपेनम प्लेडियम। कौन सा? ट्रिपेनम प्लेडियम होता है आपका सिफिलिस उत्पन्न करने वाला रोगाणु। ठीक है दोस्तों, अगला 5% डिक्सट्रोस है, एक किस प्रकार का होता है 5% डिक्सट्रोस? ये होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किस प्रकार का? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है 5% डिक्सट्रोस का मतलब। अगला, संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना कहलाता है। जब संभोग करते हैं नर और मादा तो उसके दौरान अधिक पीड़ा होती है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं डिस्पेरियोनिया। क्या कहते हैं? डिस्पेरियोनिया उसको हम कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं हम कोज, ऑप्शन ए। अगला, मेंटोक्स टेक्स्ट के दौरान पीपीडी की कितनी मात्रा फोरआर्म में इंसर्ट की जाती है? तो कितनी मात्रा फोरआर्म में इंसर्ट की जाती है? ये की जाती है 0.1 ml। ठीक है दोस्तों, पॉइंट आएगा बीच में, 0.1 ml जो है इसमें ये इंसर्ट की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है एंटीबॉडीज एंजाइम हार्मोन के संश्लेषण आदि के लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है आपका दोस्तों प्रोटीन, ऑप्शन ए दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला, मैनिटोल है एक, मैनिटोल क्या होता है? ये होता है आपका एस्टोटोनिक सॉल्यूशन और ओस्मोटिक सॉल्यूशन, दोनों ही ये मैनिटोल है होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, 2.5% डिक्ट्रोज इन एनएस यानी नॉर्मल सलाइन है एक, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? इसमें 2.5% डेक्सट्रोज हो तो उसे कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी दोस्तों इसका आंसर वो आपका हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा फ्लूड जो है सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है? तो ये होता है आपका 5% डेक्सट्रोज इन एनएस, 5% डेक्सट्रोज इन 1/2 NS और 5% डेक्सट्रोज इन RL। तो तीनों ही जो होते हैं फ्लूड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होते हैं उपरोक्त सभी। अगला, विष का प्रभाव समाप्त करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों एंटीडोट का, जो है विष का प्रभाव समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, सिज्मोडोस्कोपी के दौरान मरीज को कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है नी चेस्ट, यानी कि नी चेस्ट यानी घुटने अपनी छाती के बल लेटना जो है सिग्मोटोपकोपी के दौरान मरीजों को ये पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी दवा का प्रयोग जो है पित्त के श्रावण को बढ़ाने के लिए किया जाता है? कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है पित्त के श्रावण को बढ़ाने के लिए? तो ये किया जाता है आपका कोलोगोश, कोलोगोश जो है ये दवा का प्रयोग किया जाता है पित्त के श्रावण को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी। अगला, एक भारतीय वयस्क के लिए लगभग कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यह आती है आपके लगभग 1 g/kg शरीर का वजन प्रतिदिन, यानी कि जितने भी आप मात्रा खाते हैं यानी 1 kg आपने मात्रा खाई तो उसमें से आपको 1 g जो है प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला, ट्रम पर गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है? ट्रम पर गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका 900 से 1000 g। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, निम्न में से कौन सी दवा इंटेस्टाइनल इवेक्शन के लिए प्रयुक्त होती है? कौन सी दवा प्रयुक्त होती है इंटेस्टाइनल इवेक्शन के लिए? ये होती है आपकी कैथार्टिक्स, ये दवा प्रयुक्त होती है आपकी इंटेस्टिनल इवेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बोल्ड डिजीज का सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बोल्ड डिजीज होती है उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? ये होती है आपकी परफोरेशन, परफोरेशन इसमें सबसे बड़ी बाधा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, स्टिंसन्स नली का किस ग्रंथि से संबंधित है?
जो स्टेंशन ग्रंथिका होती है वो ग्रंथि संबंधित दोस्तों पैराटूड ग्रंथियों से, ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा विटामिन जाना जाता है ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में, तो ये जाना जाता है आपका विटामिन ई। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, पॉइजन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, जो पॉइजन एक्ट है दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था ये, तो ये किया गया था आपका 1919 में, ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला एब्रिविएशन GTT का अर्थ क्या होता है, GTT का अर्थ होता है दोस्तों एक ड्रॉप। ठीक है, एक ड्रॉप जो है GTT का मतलब होता है। अगला, एक एपिलिगोटिस निर्मित होता है, ये होता है उपास्थि द्वारा, एप्लीकोटिस होता है निर्मित होता है उपास्थि द्वारा, ये निर्मित होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर वो हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी हैंशन की बीमारी के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी बीमारी जानी जाती है हैंशन की बीमारी के नाम से, तो ये जानी जाती है आपकी लेप्रोसी, ऑप्शन बी। अगला, एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो ये होता है आपका दोस्तों बगल द्वारा, बगल द्वारा जो है हम बच्चे का तापमान वो माप सकते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिपिड नहीं है, लिपिड है तो कौन सा यौगिक लिपिड, तो ये है आपका फोस्फोलिपिड्स, ये है जो आपका वो होता है यौगिक लिपिड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, मूत्र परीक्षण के दौरान बेनेडिक्ट परीक्षण मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों, ये लगा किया जाता है आपका ग्लूकोज की उपस्थिति को पता करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला, पेट्रोलियम जेली में तैयार किया गया औषधियों का अर्धठोस रूप क्या कहलाता है, पेट्रोलियम जेली में तैयार किया गया औषधियों का अर्धठोस रूप कहलाता है आपका दोस्तों ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, अगला, जब दवा को जीभ के नीचे रखकर दिया जाता है तो वह रूट कहलाता है, तो वह रूट कहलाता है दोस्तों सबलिंगुअल, जब दवा को जो दोस्तों बच्चों को या बड़ों को जो जीभ के नीचे जो दवाई रख दी जाती है तो उस रूट को कहते हैं हम सबलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्न में से किसे व्यक्त करने के लिए एब्रिविएशन HN काम में आता है, तो कौन सा आता है, यह आता है टुनाइट, ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, अगला, एब्रिविएशन SOS का तात्पर्य क्या है, SOS एब्रिविएशन का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ये है इफ नेसेसरी इन एमरजेंसी, क्या होता है, ऑप्शन डी इन नेसेसरी इन एमरजेंसी जो है SOS का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो ब्रूनर्स ग्रंथियाँ होती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह पाई जाती है आपकी छोटी आंत में, जो है ब्रूनर्स ग्रंथियाँ आपकी पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला, पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं पेयर्स पेचेज, तो ये पाए जाते हैं आपके छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, लीजिए ये वीडियो आती है आपकी कंप्लीट, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और RS Notes चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।